हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो चलो, कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास सरप्राइजिंग थी। आपको पहले भी बताया गया था कि आज कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन वो नया चैप्टर आपको बताया नहीं गया था कि आज हम क्या पढ़ाने वाले। तो अब आपके सामने आज एक नया चैप्टर है बेटा, और वो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। और सभी को पता है कि बेसिकली यहाँ पर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मुस्कान बानो, हाय बेटा। लकी कुमावत, गुड इवनिंग बेटा। पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग। संजय विद्या चौधरी, गुड इवनिंग बेटा। परवीन बिश्नोई, गुड इवनिंग। विजेता, गुड इवनिंग बेटा। सभी को एक साथ गुड इवनिंग। चूंकि आज ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बातें बात में करेंगे, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। चलो एक बार सब लोग, यस सर, एवरीबॉडी। यस सर, प्रेजेंटी लगाओ भाई, यस सर करके। ओके बेटा, क्लास स्टार्ट होती है अब। देखिए, हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं आज जैविक अणु की, बायोमॉलिक्यूल की। ये एक बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। पिछला चैप्टर जो हमारा एनिमल किंगडम था बेटा, इस एनिमल किंगडम में काफी चीजें लर्न करनी थी। जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए है। हर साल इससे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बायोमॉलिक्यूल से आएगा और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर के अंत में यानी कि एंजाइम से आएगा। तो आइए हम लोग तैयार करते हैं ये दोनों क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल के साथ। सबसे पहली बात हम यहां करने जा रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल है क्या। यहां पर बायो का मतलब जैविक है और मॉलिक्यूल का मतलब अणु है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकाल पाए आप। इससे केवल एक मतलब यह निकाल पाए कि आप केवल इसकी हिंदी जान पाए, ठीक है। इसकी केवल आप यहां पे हिंदी जान पाए। अब देखिए, जिस तरीके से हमारे चारों तरफ जो भी लिविंग्स पाए जाते हैं, जो भी नॉन लिविंग्स पाए जाते हैं, वो सब के सब मैटर से मिलकर के बने हैं, पदार्थ से मिलकर के बने हैं। और इनमें बहुत सारे जो पदार्थ है उसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो अर्थक्रस्ट हो,
कोई भी नॉन लिविंग सो या किसी भी प्रकार का लिविंग सो, सभी का सभी किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से मिलकर के बना है। इस चैप्टर में हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा शरीर या जितना भी लिविंग से जितना भी सजीव है वो कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, बात करने जा रहे हैं हम ये। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इस बात का मतलब यह था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं उन सभी को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट गेट फ्रॉम लिविंग्स और द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को हम जैविक अणु कहते हैं। अब लेकिन बात यह आती है कि वो कौन से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात ये। इसके बाद एनसीईआरटी अगली हेडिंग डालती है, एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, किसका? लिविंग बॉडी का, या हम कैसे इस बात को जाने कि लिविंग बॉडी में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन या कौन कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये कंपोजिशन दो तरीके के हो सकते हैं, पहला हो सकता है ऑर्गेनिक और दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक, यानी दोनों को हम ये इस बात को कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे और कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे। इसके लिए कैसे एनालाइज करें, बिना थ्योरी के समझना है। हम बार बार कहते हैं एक बात कि बायोलॉजी में कभी भी थ्योरी नहीं होती, बायोलॉजी एक फीलिंग का सब्जेक्ट है, और जो लोग ये मानते हैं कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये रखने वाला सब्जेक्ट है, मेरे अनुभव के आधार पर वो कभी सेलेक्ट नहीं होते। जिसने भी इस सब्जेक्ट को फील कर लिया वो 85 प्लस क्वेश्चन कर सकता है। तो आइए हमारे साथ फीलिंग के साथ बिना किसी थ्योरी के इस बात को समझते हैं कि कैसे हम इस बात को जाने कि लिविंग बॉडी में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक वेजिटेबल, कोई भी हरा पौधा ले लेते हैं या पौधे का कोई भी भाग ले लेते हैं, जरूरी नहीं वेजिटेबल का मतलब सब्जी हो, एनी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स या अ पीस ऑफ लीवर, अगर हमें
जंतुओं के शरीर को एनालाइज करना है तो हम क्या करें, यहां पर एक लीवर का टुकड़ा ले लेते हैं, और अगर पौधों को एनालाइज करना है तो कोई भी ग्रीन पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करने क्या जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार फिर से ध्यान दें, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे करेंगे, एक एक करके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे करेंगे, दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब कोई भी ग्रीन पार्ट ले लिया या किसी भी सजीव शरीर का कोई एक पार्ट ले लिया, मोस्टली यहां पर लीवर लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स आफ्टर डाइजेशन वहां पर स्टोर किए जाते हैं। ब्लड के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर में स्टोर किए जाते हैं। अब हम क्या करें, किन लिए गए पदार्थों को एक मोर्टर के द्वारा ग्राइंड कर लेते हैं। किसी भी ग्राइंडर से ग्राइंड कर सकते हो, इसमें वो कूटने वाला जिसमें दवा कूटते हैं उससे भी कूट सकते हो, सिलबट्टे से पीस सकते हो, आपके पास मिक्सी है उसमें आप इसे ग्राइंड कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से इसको हम ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसे एसिड में ग्राइंड करना है। किससे ग्राइंड करेंगे हम, मोटर से, और ग्राइंड कर किसके साथ करेंगे, एक विशिष्ट प्रकार के एसिड के साथ, उस एसिड का नाम है Cl3C00H, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। Cl3C00H क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसे पीस के नहीं मिलाना है, इसी में पीसना था। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जैविक पदार्थ को पीस लिया गया। अब देखिए, जो पदार्थ आपके पास है, इस पदार्थ को एक चीज क्लॉथ, जिससे हम पनीर को अलग करते हैं, पतला कपड़ा जालीदार, या हम यूं कह सकते हैं मार्किन के कपड़े से, इसे छानेंगे। अब हम तो इस तरीके से ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को हम इस कपड़े के द्वारा छानते हैं। ये साधारण सा कपड़ा है, चीज क्लॉथ कहते हैं इसको। अब जब इसे हम छानते हैं तो इस प्रकार से इसका कुछ पार्ट जो होता है वो छन करके नीचे आ जाता है, ऐसे यहां पर आ गया, और कुछ पदार्थ जो था वो यहीं पर स्टे कर जाता है, ऊपर रुक जाता है। एक बार फिर से पूरी बात, किसी भी जैविक पदार्थ में यह जानने के लिए कि कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, सबसे पहले हम जैविक पदार्थ में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या लीवर का पीस लेते हैं। अब इसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की उपस्थिति में पीस लेते हैं, और पीसने के बाद बने हुए बिलियन को एक चीज क्लॉथ की सहायता से छानते हैं। छानने में इसके दो पार्ट हो गए, पहला वो पार्ट जो छन के चला गया,
और इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन वन। जो फिल्टर हो गया और एक वो पदार्थ जो फिल्टर नहीं हुआ जो यहीं पे रह गया इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन टू। एक एक बात को बड़े आराम से ध्यान से समझना है। जैसे जब आप चाय छानते हो तो पत्ती उसी में रह जाती है छन्नी में और चाय आपकी कप में चली जाती है, तो दो पार्ट हो गए, जो छन के चला गया वो फ्रैक्शन वन है और जो यहां पर छना नहीं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन टू। जो फ्रैक्शन वन है इसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पोल। अम्ल विलेय पदार्थ, पोल का मतलब यहां तालाब है, एसिड अम्ल है, सॉल्युबल घुलनशील। तो एक हिस्सा तो वो जो अम्ल में घुलनशील था और वो घुल करके नीचे आ गया, दूसरा वो हिस्सा यानी फ्रैक्शन टू जो एसिड इनसॉल्युबल है अब दोनों हिस्सों में आया क्या क्या। जो फ्रैक्शन टू है जो नहीं छना उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा पदार्थ यहां पर होता है पॉलीसेक्राइड्स। ये नहीं छना, ये इसी कपड़े में रह गया। जो छन गया वो इसके अलावा थे, वो इनसे छोटे थे। अभी हम यहां पर लिख देते हैं केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला तरीका हमारा यह था जिस तरीके से हम किसी भी लिविंग बॉडी में कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं उनको एनालाइज करते हैं। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चली है, ध्यान से बात को समझेंगे। एक बार फिर से एनालाइज करने के लिए वेजिटेबल या लीवर पीस लेते हैं, उसे किसी मोर्टर की सहायता से पीस लेते हैं और यह पीसा जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, जिसका फार्मूला होता है Cl3COOH। अब इसे चीज क्लॉथ के द्वारा हम छानते हैं, एक वो पार्ट जो छन के चला गया उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल अम्ल विलेय पदार्थ, और दूसरा जो नहीं छनता उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन टू अर्थात अम्ल अविलेय पदार्थ, और इसमें होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड एंड ईटीसी। इसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट गेट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बात को समझ गए होंगे, एनसीईआरटी क्लियर हो रही है लाइन टू लाइन। अब इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी अब हम एनालाइज करेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है। अगर आप नोट नहीं कर रहे थे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह यहां पर हम कर देते हैं इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक पदार्थों का कैसा पता करेंगे कि किसी भी लिविंग बॉडी में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं। अब क्या करना है, मटेरियल अभी भी बच्चों यही रहेगा,
कोई भी ग्रीन पार्ट या पीस ऑफ लीवर। सबसे पहले अब हम क्या करें, इनको सुखा लेते हैं, ड्राइड करते हैं इनको। अब इनका हमको मिल गया ड्राई वेट, देखिए दोनों अलग अलग बातें होती हैं, एक होता है फ्रेश वेट और एक होता है ड्राई वेट। जब तक पानी है तब तक फ्रेश वेट है, और पानी जब वेपराइज होकर निकल जाएगा तो बचा हुआ मटेरियल ड्राई वेट कहलाता है। अब हम क्या करें, ये जो हमें मटेरियल प्राप्त हुआ इसको हम बर्न करते हैं, यानी इसमें आग लगा देते हैं। और जैसे ही आप इसमें इसको जला देते हैं या इसे बर्न करते हैं, तो बर्न करने पे क्या हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इसमें वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, धुएं के रूप में उड़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, राइट। जो भी इसमें वाटर था वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जितना भी इसमें शेष बचा, इस शेष बचे पदार्थ को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सभी तैयार रहेंगे, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ईमानदारी दिखाएंगे। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। जितने भी लोग देख रहे हैं वो पूरे दिमाग लगा लें, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका सही सटीक जवाब देंगे। और सबसे पहले जवाब देंगे, चूंकि अपना नावा है, सबसे कम सबसे सटीक, श्योर सिलेक्शन इन नीट। योद्धा वही होता है जो पहले वार करता है, लड़ाई में हमेशा वही जीतता है जो पहले मारता है। तो बात को आगे बढ़ाते, इस तरीके से आप इस बात को जान गए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं। जैसे कि जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने ये कहा था कि चाहे वो नॉन लिविंग्स हो या वो लिविंग्स है, दोनों में केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते, रासायनिक पदार्थ पाए जाते। अब एनसीईआरटी यहां पर दोनों के बीच कंपैरिजन कराती है। अगर हम किसी लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग के बीच, यानी अर्थ क्रस्ट के बीच पाए जाने वाले पदार्थों का कंपैरिजन करें तो यह इस प्रकार होगा। यानी अब आपकी अगली हेडिंग लगने वाली है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंस इन नॉन लिविंग्स एंड लिविंग मैटर। कंपैरिजन ऑफ, क्या बताया आपको मैंने, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग
एंड लिविंग्स। हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हुआ करें, मैं सारी बातें बिल्कुल हिंदी में भी बताता हूं, लेकिन बेटा कोशिश ये करो कि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में समझने का प्रयास करो। निर्जीव और सजीव के शरीर में पाए जाने वाले पदार्थों के बीच कंपेरिजन करेंगे। अब जैसे यहां पर, अब एक तरफ तो हम यहां पर एलिमेंट कर ले, दूसरी तरफ हम यहां पे नॉन लिविंग करेंगे, और तीसरी तरफ यहां पर हम लिविंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। वैसे तो उधर से आपको लिख के भेजना चाहिए, नॉन लिविंग जो हाइड्रोजन होता है वो होता है 0.14%, लेकिन जब इसी हाइड्रोजन को हम लिविंग बॉडी में देखते हैं तो ये केवल 0.3% ही पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कार्बन की, तो नॉन लिविंग्स में पाया जाने वाला कार्बन जो है इसकी मात्रा होती 0.03%। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, फोटोसिंथेसिस में जब अपन C3 और C4 साइकिल पढ़ रहे थे, कार्बन फिक्सेशन पढ़ रहे थे, तब भी ये बात बताई गई थी कि नेचर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज कितना पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसे लिविंग बॉडी के अंदर देखते हैं तो लिविंग बॉडी में कार्बन की मात्रा आउटर एटमॉस्फेयर से कहीं अधिक होती है, मतलब इसकी मात्रा होती करीब 18.5%। तीसरा पदार्थ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी है बेटा, वो होता है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट में बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स में बात करते हैं तो ये पाई जाती है 46.6%। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा लिविंग बॉडी के अंदर बात करें तो ये पाई जाती है करीब 65.0%। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन यही बात बच्चों अगर हम लिविंग बॉडी में देखते हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज तो यह पाया जाता है करीब 3.3%। अब इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर की जो मात्रा है वो होती है 0.03% नॉन लिविंग्स के अंतर्गत, और इधर होती है 0.3%। सल्फर के बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो नॉन लिविंग्स में पाई जाने वाली सोडियम की मात्रा 2.8% के अप्रॉक्सीमेट होती है, और जबकि लिविंग्स में इसकी मात्रा 0.2% होती है। बेटा याद करना पड़ेगा, हमने भी याद किया है, कई बार यहां से सवाल आए हैं, क्या पूछा जाता है, इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाते रहिए, और अगर हमें टाइम मिला तो एक बार हम पूरे सेट आपको 2010 से लेकर के और 21 के क्वेश्चन जो है वो हम कराएंगे आपको। अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कैल्शियम की, तो कैल्शियम यहां पर जो परसेंटेज पाया जाता है वो होता है 3.5
6% और कैल्शियम की मात्रा अगर शरीर के अंदर देखी जाए तो ये होती है 1.5%। इसके अलावा मैग्नीशियम की अगर बात करें तो यह मात्रा होती 2.1% नॉन लिविंग्स में, और अपनी बॉडी में यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, 0.1% के करीब पाए जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक पदार्थ और लिखा है जिसका नाम है सिलिकॉन, और अगर इसकी मात्रा की हम लोग बात करें बच्चों तो जो सिलिकॉन होता है वो 27.7% और यहां पर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। एनसीईआरटी किताब ने आखिर ये टेबल क्यों बनाई, वो आपको ये बताना चाह रही थी कि नॉन लिविंग्स में भी यही पदार्थ पाए जाते हैं और लिविंग्स में भी ये पदार्थ पाए जाते हैं, बस इनका परसेंटेज अलग अलग होता है। यानी केमिकल कंपाउंड्स जो भी नॉन लिविंग्स में है वही सारे केमिकल कंपाउंड लिविंग्स में भी पाए जाते हैं, बस दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है। किसी भी क्वेश्चन को कभी छोटा ना समझें और कभी ये ना समझें कि ये नहीं आएगा, ये नीट का एग्जाम है। कई बार बिल्कुल न्यूली बॉर्न क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। और हम रिपीटर बच्चों को एक खास बात यहाँ पर बता दें कि वो जो एनालिसिस उनकी अपनी शुरू हो जाती है, यहाँ से नहीं आता है, वहाँ से नहीं आता है, यहाँ से तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, शायद इसीलिए वो रिपीटर हैं। वो हम लोगों की बात नहीं मानते, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अरे बच्चों मैंने क्या कहा है कि एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को हजार हजार बार पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन एक ही तरह से हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, और वो है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो यहां तक अभी आपको मैंने बताया, अब हम बात करेंगे आगे की। अब देखो इसके बाद की जो बात है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए, वापस लौटते हैं फिर हम, आपको मैंने बताया था कि Cl3C00H ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्रीन सबस्टेंस या कोई भी लिविंग मैटर लाइक द लीवर, इसको जब पीस करके छाना गया तो दो प्रकार के फ्रिक्शन हमारे पास आए, और वो दो प्रकार के फ्रिक्शन बच्चों कहलाते हैं। अब इसमें हम देखना क्या है, बहुत पीछे एक बात बार बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा है, और इस बात को हम कैसे डिसाइड करें कि ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। चलिए एक बार आ जाओ, अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन है? यस सर, सभी लोग यस सर बोले। मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं।
वेरी नाइस बच्चों, और इसीलिए शायद हम कहते हैं कि हमारे जैसे स्टूडेंट किसी के पास नहीं होते। आज मैं खुलेआम इस पोर्टल पर आपकी तारीफ कर रहा हूं। यू आर वेरी वेरी ओबिडेंटली, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े क्यूट बच्चे हैं और मन लगा के पढ़ते हैं, हमारी बात मानते हैं। और ईश्वर से मैं चाहूँगा कि इन सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले और इन सब बच्चों के आगे टक्कर लगे, जिसके लिए बेचारे ये रात दिन लगे हुए हैं। तो आइए इसी बेस्ट विशेष के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा यहां पर हम बायो मॉलिक्यूल में दूसरे राउंड के क्वेश्चन पर बात करें। आज पहला दिन है तो आज हम स्पीड में नहीं पढ़ा रहे जानबूझ के, चूंकि जब तक किसी लेसन का बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आप भाग नहीं सकते हो। अब क्वेश्चन यहां से सीरियस आने स्टार्ट हो जाते हैं इस चैप्टर में। एक तरह से कहो तो इंट्रोडक्शन तो हो गया खत्म। अब देखो यहां पर हमने क्या कहा था आपसे कि जब हमने उसे कपड़े से छाना तो छानने पर हमारे पास दो प्रकार के फ्रिक्शन थे, एक वो जो कपड़े में रह गए और दूसरे वो जो नीचे रखे हुए पॉट में आ गए। ये इसको हमने फ्रिक्शन वन नाम दिया था और इसे हमने नाम दिया फ्रिक्शन टू। इसे हमने कहा था एसिड सॉल्युबल और इसे कहा था हमने एसिड इनसॉल्युबल, जो अम्ल में घुलनशील नहीं है और जो अम्ल में घुलनशील है। इसी आधार पर हम यह तय करते हैं कि कौन माइक्रो मॉलिक्यूल है और कौन मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो पहला हमारे पास था एसिड सॉल्युबल और दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन था एसिड इनसॉल्युबल। ये दो बेटा हमारे पास पीसे गए पदार्थ से दो प्रकार के फ्रैक्शन प्राप्त हुए थे। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिए, जो इसमें घुल गया, जो एसिड सॉल्युबल हो गया, उसे हम यहां पे क्या बोलेंगे, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। और जो नहीं घुला, जो अवशेष के रूप में अवक्षेप के रूप में रह गया, उसे हम कहते हैं मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। अब देखो यहां पर जो हमने समझने की बात थी, पैरामीटरशीलता, जो घुल गया वो है, जो नहीं घुला वो मैक्रो है। कौन कौन घुल गया ये वहां पर नहीं बताया। कुछ बुक्स यहां पर ऐसा भी लिखती हैं कि इसे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग भी हम तय करते हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट को भी देखा जाता। तो दो पॉइंट यहां पर है, एक तो हमें यह देखना है कि एसिड घुलनशील और दूसरा जो घुल गए उनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है। विच सबस्टेंस सॉल्युबल विद एसिड मोस्टली दे कंटेन 18 to 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर क्या होगा, एक्सीड, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्राय वो मोर देन 800 डाल्टन होता है। तो माइक्रो और मैक्रो बायो मॉलिक्यूल को तय करने के दो पैरामीटर हैं।
और दूसरा सवाल कि इसके अंतर्गत आया कौन कौन, कौन कौन छन गया था। देखो यहां पर अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, और जो तीसरा पदार्थ है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। सभी को पता है कि अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, शुगर इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ, बोलो ना, हम भूल गए, इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इधर की तरफ अगर हम बात करें, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, कई बार यहां कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ लिपिड, यह हमारे मैक्रोमालिक्यूल से जो इस फ्रैक्शन में रह गए थे और जो छन के चले गए वो पदार्थ थे और उनको हमने कहा माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन यहां पे मिला, लिपिड जो है आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। फिर से हमारी बात को सुन ले, मैं यहां लिख भी रहा हूं, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली बायोमॉलिक्यूल। अब इसका कारण क्या, यानी परिशुद्ध रूप से, हिंदी वाले सुने, लिपिड को हम परिशुद्ध रूप से मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं कहते हैं। सर नहीं कहते तो लिख क्यों दिया इधर, यही तो लोचा है, यही लोचा है, और ऐसे लोचे को केमिकल लोचा कहते हैं भाई साहब। अब जान लो हमसे क्यों, क्योंकि जब भी हम इसे छानते हैं तो ये रह जाता ऊपर, जब ऊपर रह जाता तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, इस हिसाब से तो ये हो रहा मैक्रोमॉलिक्यूल या मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं, तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है लेस देन द 800 डाल्टन। दोनों बातें देख लो, डबल प्रॉपर्टी दे रहा है। अगर हम सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो लिपिड जो है वो इस तरफ आता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ, और अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखें, मैंने क्या कहा, नो मोर देन 800 डाल्टन। इस तरह से अगर हम देखें तो ये आता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ। दोनों बातें समझ में आई। तो यहां पर जब ये यूनिट में क्वेश्चन आया, बच्चा फेल हो गया, क्योंकि वो हमेशा इधर देख लेता है इसको। ऐसी क्वेश्चंस में हमेशा एक बात ध्यान रखी जाती है कि क्वेश्चन को जरूर और निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से और क्या पूछ रहा है, फिर उसका जवाब दें, क्योंकि कई बार ऐसे केमिकल लोचे मिलेंगे इस चैप्टर में आपको। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, दो क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और बताने वाला हूं। थोड़ी सी हमें जगह चाहिए बच्चों, जल्दी करो। हाँ जी सर,
अभी की जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें केवल ऑर्गेनिक मटेरियल ही फिल्टर होके नहीं आए, सल्फेट और फास्फेट, जबकि ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ये भी इसमें फिल्टर होकर के गए थे फ्रैक्शन वन में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक मैं यहां पर बताना जा रहा हूं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये केवल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जबकि हमारे जो मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में पाए जाते हैं। देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि पूरे बायोलॉजी के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल के आते हैं। आजकल जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है तो सरल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो बायोलॉजी में जब तक आप 320 स्कोर नहीं कर रहे हैं जब तक अपने आप को सिक्योर ना समझें, क्योंकि 300 नंबर तो स्कूलिंग वाले बच्चे के आने लगे। अब वो 15 से 20 क्वेश्चन कौन होते, वो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो लगेगा कि आते हैं लेकिन आते नहीं होते। तो ध्यान से एक एक बात को समझें, और जब भी आपको कोई नई चीज मिलती है आप उसे नोट करके स्टार पॉइंट बना दिया करें। तो इस तरीके से इस टॉपिक में मैंने यह भी देखा कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिसाइड करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास की अंतिम बात, इसके बाद इस क्लास को खत्म किया जाएगा। अब देखो अगर हम नेचर में पाए जाने वाले सबस्टेंस को सेल के अकॉर्डिंग देखें मतलब एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ये जो आपने बायो मॉलिक्यूल्स देखे इनमें से कौन सा पदार्थ हमारी कोशिका में कितना पाया जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, अब यहां पर हम क्या बताने वाले, पहले बात को समझ लो हम बताने क्या जा रहे कि कौन सा रासायनिक पदार्थ हमारी कोशिका में कितना पाया जाता है बेसिस ऑन द एनसीईआरटी बुक। कई बार से नहीं, पहला H2O, जल्दी बताओ कितने परसेंट होता है सेल में, लो जल्दी लिखिए व्हाट इज परसेंटेज ऑफ H2O इन द सेल। पीछे पुरुषोत्तम 70, खुशबू 70, अभी भी गलत आंसर है, किसी का सही आंसर नहीं आ रहा, कोशिश करो याद करो पहले पढ़ रखा आप लोगों ने। बेटा राइट आंसर है 72-90%,
सिसोदिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सुचेता ने सही जवाब दिया, सचिन यादव बेटा 70 से 80 नहीं 70 से 90, अंजलि चौधरी 90 नहीं बेटा 70 to 90, ध्यान रखें इस बात को। राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं 23%, बेटा ठीक से नहीं पढ़ा आपने। चलिए दूसरा बताइए, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द सेल, जवाब दीजिए। सिसोदिया सबसे पहले सही जवाब 10 to 15%, सुचेता सही जवाब, मनीष सही जवाब। इस बार टारगेट वाले हार गए भैया, हम हार गए हार गए हार गए, जल्दी जल्दी 10 to 15%, और सही जवाब था 11th के बच्चे का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल। विजेता स्वामी बिल्कुल राइट आंसर, पहला आंसर 3%, देवेंद्र 3%, चौधरी स्पेक्ट्रम 3%। क्या बात है, आज हमारे जो टारगेट के बच्चे हैं वो 11th वालों से पीछे क्यों हो रहे हैं? अरे भाई बड़ी इंसल्ट हो रही है, तगड़ी वाली इंसल्ट हो रही है। लिपिड, लिपिड का परसेंटेज है 2%, विजेता स्वामी 2%, चौधरी स्पेक्ट्रम 2%, लक्ष्य अग्रवाल 2%, लकी, अरे लकी बेटा 55 to 65 नहीं। चलिए अगला, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आयरन इन द सेल, आयरन सही जवाब दीजिए। आयरन अभी तक नहीं आया कोई भी सही जवाब। चौधरी, सीमा चौधरी 1% राइट आंसर और फर्स्ट सही आंसर। सचिन यादव सही आंसर, पुरुषोत्तम शर्मा सही आंसर, नाइस बच्चों, वेरी नाइस। चलिए अगले सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए। विच केमिकल सबस्टेंस एविडेंटली फाउंड इन द सेल, कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, मोस्ट एविडेंट केमिकल सबस्टेंस फाउंड इन द सेल, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले। सिसोदिया सही जवाब, सिमरन सैनी सही जवाब, H2O होता है बेटा, वाटर, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अरे यार अभी बताया था मैंने कि 70 to 90% होता है। किस केमिकल सबस्टेंस की प्रेजेंस में हम लिविंग मैटर को मोटर की सहायता से पीसते हैं, विच केमिकल सबस्टेंस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ लिविंग मटेरियल। सिसोदिया फिर एक बार सबसे पहले सही जवाब,
मुस्कान मानो सही जवाब। मोटर नहीं बेटा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए आज हम आपको फिर से एक मौका देते हैं, जो आज मैंने पढ़ाया इसके कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और अभी इस क्लास को यहाँ पर बंद किया जाता है। आगे की क्लास इसके कल होगी, कल संडे नहीं मनाना है, 17 जुलाई तक कोई संडे नहीं होगा, कल क्लास होगी और कल की क्लास का समय आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स बच्चों, गुड नाइट, लव यू बच्चों। गुड नाइट, बाय बाय।